समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने शोक संदेश में अपनी और डिंपल यादव की एक फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें अभिनेता दिलीप कुमार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये फोटो अखिलेश और डिंपल यादव की शादी के दौरान की है, जब दिलीप कुमार भी इस शादी में शिरकत करने पहुंचे थे। अपनी शादी रिसेप्शन की एक फोटो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि मौत उन्हें कहीं ले जा नहीं सकती, चाहने वालों की याद उन्हें कहीं जाने नहीं देगी। वो मुगले आजम का बगावती अंदाज, सलीम का अमर किरदार, आप कहीं नहीं जा सकते दिलीप साहब, श्रद्धांजलि। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। आपको बता दें कि ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का निधन बुधवार सुबह 7:15 बजे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में हो गया है। वे 98 साल के थे। उनको पिछले 8 दिनों से आईसीयू में एडमिट किया गया था। दिलीप कुमार के पार्थिव शरीर को सांता क्रूज में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिलीप कुमार के निधन पर फिल्म जगत से लेकर राजनीति से जुड़ी हस्तियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। गौरतलब है कि दिलीप कुमार ने अपने जीवन में 65 फिल्मों में काम किया। उन्हें 8 बार राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि 1995 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिलीप कुमार के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय सिनेमा जगत के पुरोधा, अभिनय सम्राट, असंख्य कलाकारों के प्रेरणा स्रोत श्री दिलीप कुमार जी का निधन फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिवार को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।